गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में एक्सरसाइज 3.6 चल रही है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सॉल्व करना है 4 upon x plus 3y is equal to 14 एंड 3 upon x minus 4y is equal to 23। अब देखिए यहां पर इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 अपॉन x जो दिख रहा है ऐसे, 4 अपॉन x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 into 1 अपॉन x तो लिख सकता हूं, और 1 अपॉन x जहां पर आपको दिखता है वहां पे हमें सपोज करना है m, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 4m। तो यहां पे लिखेंगे लेट 1 अपॉन x इक्वल टू m। तो फिर यहां पर क्या बन जाएगा, ऐसे 4 अपॉन x को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x की जगह पे आपने सपोज कर लिया m, तो वो क्या बन गया 4m। तो यहां पे होगा 4m प्लस 3y इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर क्या होगा 3m माइनस 4y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आ गए। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्रेमर मेथड करनी है तो क्रेमर, एलिमिनेशन करनी है तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन करनी है तो सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं। तो यहां पर आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं वो पहले डिसाइड कर दो। अगर हम m को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और यहां इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। मतलब इक्वेशन नंबर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब m के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे और m फिर एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विथ 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 विथ 4। जब इक्वेशन नंबर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा हो जाएगा 12m, 3 3 जा हो जाएगा 9y, और यहां पे 42। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 12m, यहां पर -16y, और यहां कितना होगा 46, 92। तो सबट्रैक्टिंग अगर करना है तो आपको साइन चेंज करनी है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहां प्लस और यहां पर माइनस। तो ये एम तो कट हो गए, तो कितना बचा यहां पे, यहां प्लस तो एडिशन होगा 25y, और यहां पे सबट्रैक्शन होगी तो कितना रहेगा -50। 92 के अंदर से 42 चले गए तो -50, तो y इक्वल टू आएगा -2। तो ये y का वैल्यू आपको मिल गया। अब y का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है कोई भी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर या इक्वेशन 2 के अंदर। तो यहां पर 4m plus 3y is equal to 14, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं 4m, 3 जहां 2 दिखता है वहां पे -2 is equal to 14, 4m minus 6 is equal to 14, 4m is equal to हो जाएगा 20, तो m is equal to आ जाएगा 5। लेकिन हमें m नहीं फाइंड करना है, m की जगह पे तो आपने सपोज किया था 1 upon x, तो जहां पर आपको m दिखता है वहां पे हमें लिखना है 1 upon x is equal to 5, तो x is equal to क्या होगा 1/5, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो ये x की वैल्यू मिल गई, ये y की वैल्यू लिख दो।
क्वेश्चन नंबर फोर में वैसा ही है, फाइव अपॉन एक्स माइनस वन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फाइव इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन लिख सकते हैं इसको, प्लस यहां पर वन अपॉन वाई माइनस टू एज इट इज, और यहां पर टू था। दूसरा जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिक्स इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस यहां पे थ्री इंटू वन अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू वन। अब देखिए यहां पर ये जो आपको वन अपॉन एक्स माइनस वन दिखता है वहां पे हमें सपोज करना है m, और वन अपॉन वाई माइनस टू हमें दिखता है वहां पर n, तो यहां पर m सपोज करेंगे, यहां पर n, वन अपॉन एक्स की जगह पे आपने सपोज कर दिया m, और यहां पर सपोज कर दिया आपने n, तो क्या बन जाएगा, फाइव एम प्लस एन इज इक्वल टू टू, सिक्स एम माइनस थ्री एन इज इक्वल टू वन। ये हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको सीधा m सपोज करके इसे लिख देगा 5 अपॉन m, जो नेक्स्ट जो स्टेप कर रहा हूं उसके जैसे सपोज करेंगे, ले 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू m, n 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू n। इतना लिखने के बाद सीधा आपको लिख देना है 5m, लेकिन 5m कैसे बनता है वो देखिए, ऐसे बनता है, 5 को अलग कर दिया, उसको 1 अपॉन x माइनस 1 लिखा, ये m हो गया, तो 5m, तो यहां से सीधा क्या बनेगा, 5m, ये तो n था, प्लस n इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर आ गया 1। वैसे यहां पर क्या बनेगा, 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं वो देख लो, यहां पर n है, यहां पर 3n है, तो n को एलिमिनेट करते हैं, n को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इनकी साइन जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं उनकी साइन ऑपोजिट है, तो हम सब्ट्रैक्टिंग नहीं लिखे, एडिंग लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे एडिंग, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विथ 3। इक्वेशन नंबर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 का हम एडिशन करेंगे, तो उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा हो जाएगा 15m प्लस यहां पे 3n इज इक्वल टू 6, और वैसे ही यहां पर 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। आपने लिखा है एडिंग, एडिंग लिखा है इसलिए साइन चेंज नहीं करनी है, साइन चेंज करने जाओगे तो क्या होगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, फिर ये कट नहीं होगी, इसलिए तो यहां ये ऑपोजिट कट हो गए, यहां कितना बचेगा, 21m इज इक्वल टू 7, तो m इज इक्वल टू आएगा कि नीचे जाएगा 1 बाय 3, तो m का वैल्यू आपको मिल गया 1 बाय 3। m का वैल्यू आपको अब दूसरे इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहां पर सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं, 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1, 6 जहां पर आपको m दिखता है वहां पर 3 माइनस 2n इज इक्वल टू 1, ये कट हो गया 2 से, तो 2 माइनस 2n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ कितना आएगा, 2n इज इक्वल टू आएगा 1, ये बाहर जाएगा ये अंदर जाएगा, तो n इज इक्वल टू आएगा 1 बाय 2। लेकिन हमें m और n की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो जहां पर आपको m दिखता है वहां पर 1 अपॉन x माइनस 1 हमें लिखना है, m दिख रहा है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x माइनस 1 1 बाय 3, और जहां पर आपको n दिखता है वहां पर 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। दोनों का इन्वर्ट इनटू करेंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आएगा 4, इसका भी इन्वर्ट इनटू करेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू आएगा 2, तो y इज इक्वल टू रहेगा 4।
यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू, एक्स वाई वहां जाएगा तो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy, यहां पर 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy, ये है इक्वेशन नंबर वन और ये है इक्वेशन नंबर टू। एलिमिनेशन मेथड करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है, या क्रेमर मेथड कोई भी कर सकते हैं। तो यहां पर एक काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और इसको 2 के साथ, तो दोनों जगह पे 14 14 आ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे और दोनों की साइन ऑपोजिट है, जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं उनकी साइन ऑपोजिट है, इसीलिए हम लिखेंगे एडिंग। तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर वन विद सेवन एंड इक्वेशन नंबर टू विद टू, मतलब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ क्योंकि 7 टू जा 14 होगा, और इसको 2 के साथ क्योंकि 2 7 जा 14 होगा। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जा 49x, 7 टू जा माइनस 14y और यहां पे 35xy, वैसे यहां पर 16x और यहां पर प्लस 14y इज इक्वल टू कितना होगा 30xy। एडिंग लिखा है इसीलिए हमें साइन चेंज नहीं करनी है, तो ये कट हो गए, यहां कितना हो जाएगा 49 प्लस 6 65x हो जाएगा, यहां पर 65xy, दोनों साइड से 65 कट हो गए। क्यों कट हो गए? क्योंकि हमने दोनों को 65 के साथ डिवाइड कर दिया, ऐसे 65 जीरो नहीं है, जीरो नहीं है इसीलिए वो इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखना तो सीधा दोनों साइड से 65 कट हो गए, तो x इज इक्वल टू x अपन वाई रहा। अब यहां से समझने का आ गया कि यहां से क्या होता है, देखिए ये x को हमें यहां से कट करना है, लेकिन x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर वो कट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, देन दोनों को हमने एक्स के साथ डिवाइड कर दिया तो फिर एक्स एक्स कट हो गए, वाई इज इक्वल टू वन। तो वाई की वैल्यू हम अब यहां पर कोई भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपको मिलेगी एक्स की वैल्यू। तो देखिए 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy, जहां पर आपको y दिखता है वहां पे हमें 1 लिखना है, तो 2x ये 1 लिखना है तो 2 हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा 5x, तो उसको उस साइड भेजेंगे तो 2x ये उस साइड जाएगा, 7x माइनस 5x 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 होती तो यहां लिखना है इफ x इक्वल टू 0 देन, अगर x की वैल्यू 0 होती तो फिर y की वैल्यू भी 0 होगी। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन मिल सकते हैं, एक 0 0 और दूसरा है 1 1, सोल्यूशन का सेट बनाने का बोला है। तो अगर उसने मेंशन कुछ भी नहीं किया है कि x की वैल्यू क्या है तो फिर आपको ये दोनों आंसर लिखना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिखा हुआ होता है ऐसे x इज नॉट इक्वल टू 0 y इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आपको सिर्फ यही लिखना है, इतना ही, ये 0 0 वाला आंसर नहीं होगा, लिख दीजिए।
क्वेश्चन नंबर सिक्स मैंने अपनी राइट साइड लिखा है, 6x plus 3y is equal to 6xy and 2x plus 4y is equal to 5xy. ये है इक्वेशन नंबर वन और ये है इक्वेशन नंबर टू. जो मेथड आपको करनी है कर सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड करनी है तो यहां पर 6 है तो यहां 6 लाना पड़ेगा. अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y को एलिमिनेट करना चाहते हैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 होगा और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 होगा. तो एक काम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. वहां पर क्या होता है सिर्फ एक ही इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है. तो यहां लिखेंगे लेकिन यहां पर दोनों की साइन देख लो. दोनों की साइन कैसी है? दोनों की साइन है एक जैसी, इसीलिए हमें क्या लिखना है? सब्ट्रैक्टिंग लिखना है. तो यहां होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन बाय मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर टू विथ थ्री. इसको हम थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये 6x है वो तो एज इट इज, 3y भी एज इट इज, यहां पर 6xy एज इट इज. 3 टू जा क्या होगा? 6x. 3 फोर जा होगा 12y और यहां पर 15xy. 3 5 15xy. सब्ट्रैक्टिंग वर्ड यूज किया है देखिए, इसलिए साइन हमें चेंज करनी पड़ेगी. तो साइन चेंज करेंगे तो कितना होगा? या माइनस और यहां पर माइनस, या ऑपोजिट तो कट हो गए 12 माइनस. अब नई साइन हमें इसको कंसीडर करनी है, ये साइन को भूल जाना है. 12y माइनस 3y तो माइनस हो जाएगा 9y और यहां पर वैसे ही 15 माइनस 6xy तो माइनस 9xy. दोनों साइड से माइनस 9 और माइनस 9 कट हो गए, मतलब हमने माइनस 9 के साथ दोनों ही साइड डिवाइड कर लिया इसीलिए कट हो गए. और इसीलिए हमने डिवाइड किया क्योंकि माइनस साइन जीरो नहीं होता. माइनस माइनस 9 की वैल्यू है वो जीरो कभी नहीं होती, इसलिए दोनों के साथ डिवाइड कर दिया माइनस 9 को. माइनस 9 के साथ दोनों ही साइड हमने डिवाइड कर दिया तो y इक्वल टू रहेगा कितना? xy. बस अब यहां से सोचने का आ गया. दोनों साइड से अगर हमें y को कट करना है तो y की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए. तो यहां से आपको सपोज करना पड़ेगा कि y इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर y की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो दोनों साइड से y कट हो गए तो फिर कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स वाई था, y कट हो गया, 1 इज इक्वल टू x. तो यहां पर क्या आया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई. वैसे ही अब दूसरे इक्वेशन में देखिए, ये जो वैल्यू है वो हमें पुट करना है. कोई भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 के अंदर पुट कर दो. तो वहां पर 6x plus 3y is equal to था 6xy. जहां x दिखता है वहां पे 1 रखना है, plus 3y is equal to x दिखता है वहां पर हमें रखना है 1. तो यहां कितना हो जाएगा? 6 is equal to यहां आएगा तो 3y, तो y is equal to आएगा 2. x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2. x is equal to 1 and y is equal to आ गया 2. लेकिन y की वैल्यू अगर 0 है, यहां पे लिखेंगे कि y is equal to 0, then x is equal to भी क्या होगा? 0. तो दूसरा आंसर मिलेगा 0 0, मतलब सॉल्यूशन का सेट बोला है तो ऐसे लिखेंगे 0 0 और दूसरा था 1 and 2. अगर ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिखा है यही सम के अंदर कि x is not equal to 0 and y is not equal to 0, तो आपको ये नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है. सॉल्यूशन बोला है तो सिर्फ इतना ही लिखना है. x और y की वैल्यू, सॉल्यूशन का सेट बोला है तो इसे 1 और 2 लिखने के बाद सेट लिख देना है. लेकिन आपको सेट लिखने का नहीं आएगा क्योंकि
स्टैंडर्ड 9 का जो नया सिलेबस था उसके अंदर से सेट चैप्टर को निकाल दिया है, सेट चैप्टर है उसी का 11 के अंदर रख दिया है, इसीलिए सेट के बारे में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन ये कंडीशन हमें याद रखनी है कि अगर ये बोला है x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये अकेला नहीं लिखा है तो रियल में दोनों ही आंसर हो सकते हैं। लिख दो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन में लिखा है राइट साइड इज इक्वल टू 4। दूसरा है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहां पर देखिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वैसे ये 10 लिखा है 10, तो मैं 10 अपॉन एक्स प्लस वाई लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 10 बन जाए 10 हो गया एक्स प्लस वाई एज इट इज। तो यहां पर हम सपोज करेंगे m, तो वो क्या बन जाएगा 10m, तो वैसे ही ये बन जाएगा n सपोज करेंगे तो 2n इज इक्वल टू 4, यहाँ 15m माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 2 होगा। तो हम सपोज करेंगे ले 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू m एंड 1 अपॉन x माइनस y इक्वल टू n, m और n सपोज कर दिया, वहां लिखेंगे हम 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड भी कर दो तो कितना हो जाएगा 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1। वैसे यहां पर क्या बनेगा 15m माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 2, यहां डिवाइड नहीं होगा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, यहां 5n है यहां 5 लाना है तो n एलिमेंट होगा, तो इक्वेशन नंबर 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी साइन ऑपोजिट है, इसीलिए हम क्या करेंगे एडिंग लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 5, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, तो यहां बन जाएगा 25m, यहां बन जाएगा 5n इज इक्वल टू 5 टू जा 10, यहां पर 15m माइनस 5n इज इक्वल टू कितना था माइनस 2, एडिंग है इसीलिए साइन चेंज नहीं करनी है, यहां पे बन जाएगा 40m इज इक्वल टू हो जाएगा 8, तो m इज इक्वल टू 8 अपॉन 40, तो m की वैल्यू आएगी 1/5। ये जो m की वैल्यू है हमें कोई भी इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, तो 5m प्लस n इज इक्वल टू 2 था, 5m की जगह पे 1/5 प्लस n इज इक्वल टू 2, ये कट हो गए 1 प्लस n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू आएगा 1। लेकिन m और n की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू x और y की,
तो जहां पर आपको m दिख रहा है वहां पर हमें लिख देना है 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू 1 बाय 5, n दिख रहा है वहां पर 1 अपॉन x माइनस y इक्वल टू 1, ये ऊपर जाएगा तो x प्लस y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर इसको नाम दे दो 3, और x माइनस y इक्वल टू होगा 1, ये ऊपर जाएगा तो इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों का एडिशन कर दो, तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 था x प्लस y इक्वल टू 5, यहां पर x माइनस y इक्वल टू 1 था, एडिंग किया इसलिए साइन चेंज नहीं करी, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू आएगा 3। ये वैल्यू कोई भी इक्वेशन नंबर 3 या 4 के अंदर पुट कर दो, तो x प्लस y इक्वल टू 5, 3 प्लस y इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू रहेगा 2, तो ये x और y मिल गए, लिख दीजिए।